डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए अभी हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पॉलीनोमियल। और इस पॉलीनोमियल चैप्टर को हम लोग जो हैंडल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस पॉलीनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग बहुत सारे फार्मूला को सीखा था, बहुत सारे फार्मूला को याद करने के लिए भी बोला था आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप उन सभी फार्मूलों को याद किए होंगे, समझे होंगे ढंग से। अब चलिए उनको हम लोग यूज करना सीखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ों को फार्मूला को लिख ले लें या याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन को जरा देखिए, तो बोल रहा है कि पहला में जो पांच क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, पहला में कितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में, पहला का पांच क्वेश्चन है। अब इन पाँचों क्वेश्चन को हमें प्रोडक्ट्स निकालना है, क्या करना है, प्रोडक्ट्स निकालना है। अब इन पांचों क्वेश्चंस का जो प्रोडक्ट्स निकालना है, वो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स निकालना है जरा हम लोग सीखेंगे। तो पहला सीखिए, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तो एक्स प्लस फोर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, ठीक है, ये है। और हम लोग को इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसा हम लोग फार्मूला पिछले दिन सीखे थे। क्या सीखे थे भाई, कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अगर रहता है तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखते हैं, तो x और x मिलके हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देना होता है, ठीक है, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट में a के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस a लिखेंगे, b के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस b लिखेंगे, फिर x को लगा देना है और फिर प्लस देना है और फिर ब्रैकेट देना है, वही चीज़ को लिखना है, प्लस a और प्लस बी, लेकिन बीच में इंटू कर देना है, ठीक है। यही चीज़ ना हम लोग सीखे थे, कुछ भी रह सकता है, हम लोग ऐसा ही फार्मूला यूज करेंगे। सेम चीज़ देख पा रहे होंगे आप, एक्स प्लस फोर है, एक्स प्लस टेन है। अब एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस टेन है, तो एक्स एक्स को मिलने से इसका इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर देंगे हम लोग प्लस, प्लस के बाद फिर ब्रैकेट देना है। अब चार के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस फोर। दस के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस टेन, फिर इनटू में एक्स, एक्स लगा देना है, फिर देना है प्लस, फिर ब्रैकेट देना है, आपको फिर से वही चीज़ को लिखना है लेकिन बीच में इनटू दे देना है, जैसे प्लस फोर इनटू प्लस टेन, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में चार है और प्लस में दस है, तो दस और चार, चार मिलकर कितना हो गया, चौदह एक्स प्लस, और प्लस प्लस का गुना क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, यानी कि प्लस 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 और टेन फोर जा फोर्टी, तो कुल मिलाकर हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस चौदह एक्स प्लस चालीस, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक्स प्लस एट, फिर एक्स माइनस टेन। हम क्या बताएं अभी, कि एक्स एक्स का मल्टीपल करो, तो एक्स एक्स मिलकर एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, फिर लिखना है प्लस, फिर ब्रैकेट देना है, आठ के आगे क्या है, प्लस आठ, तो आप लिखो प्लस आठ, फिर दस के आगे क्या है, माइनस दस, तो माइनस दस, फिर इनटू में एक्स जोड़ देना है, जोड़ दिया, फिर देना है प्लस, प्लस दे दिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दे दिया, अब इसके आगे प्लस आठ है, तो यहाँ पे प्लस आठ दे दिया, फिर इनटू कर दिया माइनस दस, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अभी प्लस में आठ है, ये माइनस में दस है, तो आठ और माइनस दस का कितना हुआ, तो माइनस टू हो गया, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है और ये प्लस कम है, तो माइनस टू, और इधर एक्स था तो एक्स लिख दिया,
प्लस प्लस ब्रैकेट में ये प्लस और माइनस का मल्टीपल क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस 10 8 जा 80। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस कितना होता है माइनस 80। तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट्स हो जाएगा। तो सवाल क्या बोला ना कि प्रोडक्ट्स आप इनका ज्ञात कीजिए, इनका प्रोडक्ट्स हमें निकालना था, इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला का हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये पहला का सेकंड था, पहला का ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला का थर्ड क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं 3x प्लस 4 ब्रैकेट 3x माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। हम क्या बोल रहे हैं दोस्त कि 3x और 3x का मल्टीपल, तो 3x का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि जब x और x था तो x स्क्वायर हो रहा था, यहाँ 3x और 3x है तो 3x का पूरा का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, फिर ब्रैकेट करने के बाद क्या लिखेंगे कि 4 में प्लस है तो प्लस में 4, ये माइनस में 4 है तो माइनस में 4। ठीक है, इतना चीज करने के बाद हम कैसे लिखेंगे, तो इतना चीज लिख दिया लेकिन वहाँ पे x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हर जगह दोनों जगह क्या है 3x है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट कितना कितना प्लस 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग को कितना मिल रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और x स्क्वायर हो जाएगा तो 9x स्क्वायर इसकी जगह पे, ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 5 है। तो प्लस में 4 और माइनस में 5 का वैल्यू कितना हो गया, तो प्लस 4 और माइनस 5 मिलके माइनस 1 होगा, और माइनस 1 को 3x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है माइनस 1, और माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3, और x का x लगा दिए। फिर प्लस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्लस 4 है, ये माइनस 5 है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 4 जा 20। तो कुल मिलाकर हमें कितना पता चला, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला का ये थर्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दोस्त, इधर देख लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब a प्लस, एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, यानी कि दोनों ए बी ही रहे, मतलब ए यहाँ पे तो यहाँ पे भी ए, बी यहाँ पे तो यहाँ पे भी बी, लेकिन एक कोई प्लस रहे एक कोई दूसरा माइनस रहे, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए के जगह हो गया वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पे भी 3/2, लेकिन एक में प्लस और दूसरे में माइनस, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ए का स्क्वायर करना है, तो ए तो ऑलरेडी अभी कितना है ए के जगह पे वाई स्क्वायर, लेकिन फार्मूला के वजह से ऊपर और स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जब यहाँ ए था तो ए का स्क्वायर किया, तो यहाँ ऑलरेडी वाई स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर तो करेंगे ही, फिर करना है माइनस, तो यहाँ पे कर दिया माइनस। बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 3/2 का स्क्वायर करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब स्क्वायर का स्क्वायर रहता है, यानी पावर का पावर जब रहता है, तो हम लोग पावर पावर को क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 2 जा 4, तो y के पावर 4। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9।
ठीक है, बटा दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये मिल गया वाई के पावर 4 माइनस 9/4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 3 प्लस 2x, ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, माने कि ए दोनों में सेम सेम है, बी वाला भी दोनों में सेम सेम है, यानी कि 2x दोनों में सेम है, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है। तो जब हम लोग ए फार्मूला सीखे ना कि जब दोनों का आगे वाला सेम रहे, जैसे कि ए और ए, बी और बी, लेकिन एक प्लस में और दूसरा माइनस में, जब एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, तो हम लोग इसका रिजल्ट माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर, फिर करना है माइनस, फिर b है तो b का स्क्वायर कितना होगा 2x का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 - 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से पहला का जो पांचों क्वेश्चन था उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व किया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है विदाउट एक्स मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको प्रोडक्ट निकालना है, उसको सीधा सीधी गुणा नहीं करना है। जैसे मान लिया कि दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है 103 गुना में 107, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये 103 देख पा रहे होंगे, इसमें 103 गुना 107 है, तो 103 गुना 107 वाले जो क्वेश्चंस है इसको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि आप फटाफट 103 गुना 107 कर देंगे तो उससे भी हम लोगों को आंसर आ जाएगा, लेकिन सवाल बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, इसको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए फार्मूला के हिसाब से करना है। तो दोस्त हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इसको फार्मूला पे तोड़ो, जैसे 103 है तो 103 कितना के करीब है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 100 + 3, ये हो जाएगा 103 और फिर से मल्टीप्लाई, बीच में ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं ना, और फार्मूला हम लोग देखते हैं क्या फार्मूला है कि x + a × x + b, फार्मूला क्या होता है, इधर वाला का x स्क्वायर करो, तो 100 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर प्लस दो, फिर ब्रैकेट, a के आगे प्लस 3 है, b के आगे प्लस 7 है, तो यहाँ प्लस 3 प्लस 7 और इंटू में यहाँ पे x लिखते थे ना, कब, जब यहाँ पे x x रहता, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग सीखे हुए हैं कि a के आगे जो रहता है उसको लिख देते हैं, b के आगे जो रहता है उसको लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है 100, तो यहाँ पे इंटू में कर देते हैं, इंटू में कहते हैं 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो a है यहाँ पे b है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 3 इंटू प्लस 7, तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना हुआ 100 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस 7 और 3 हो गया 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 प्लस 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 11021, ठीक है, 11,021 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है 95 गुने 96। अब ये 95 गुने जो 96 है इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं,
कितना ब्रेक कर सकते हैं भाई? तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 में से 5 गया तो 95 बचेगा, फिर इंटू 96 कब होगा, तो 100 माइनस में 4, ठीक है, 100 में से 4 गया तो 96 बचता है। उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे फार्मूला पे बन गया, यानी कि 95 96 या फिर कोई उसके पास पास का रहेगा तो हम लोगों को 100 पे तोड़ना आसान है ना, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना, 100 का 100 से गुना करना, ये सब आसान है, इसलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं 100 पे। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब ये फार्मूला x माइनस ए और x माइनस बी पे आ गया। फार्मूला क्या है, तो x का आप स्क्वायर करो, तो हम 100 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 100 का स्क्वायर कर दिया। अब 100 का स्क्वायर करने के बाद हम लोगों को दिख पा रहा होगा कि प्लस करते हैं और ए के आगे माइनस 5 है, बी के आगे माइनस 4 है, फिर इनटू में कितना 100, ठीक है, प्लस फिर ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस 5 इंटू माइनस 4, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस 5 और माइनस 4, तो माइनस 5 और माइनस 4 मिलकर कितना हुआ, माइनस में 9, और माइनस 9 को 100 से गुना करेंगे तो माइनस 900 होगा, और यहाँ देख पा रहे होंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस कर दिए और 5 का 20। आप देख पा रहे होंगे 10,000 में 20 को अगर पहले जोड़ेंगे तो 10,000 क्या बन जाएगा, 20, इसमें से 900 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो जाएगा 9,120, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 104 गुना में 96, तो 104 को हम लोग कितना पे तोड़ेंगे, 104 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 100 प्लस 4, ठीक है, 100 प्लस 4 इंटू 96 को कितना में ब्रेक कर सकते हैं, तो 100 माइनस में 4, ठीक है, 100 माइनस 4, तो ये हो जाता है 100 में से 4 गया 96, 100 में से 4 गया 104। आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस ए हो गया, x माइनस बी हो गया, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो 100 100 का यहाँ पे लिखते हैं 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस देखते हैं, इसके आगे प्लस 4 है, ठीक है, इसके आगे माइनस 4 है, फिर इंटू में क्या करते हैं 100, फिर प्लस और यहाँ पे 4 के आगे प्लस, तो प्लस 4 इंटू में माइनस 4 मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, और प्लस 4 और माइनस 4 ये कितना हो गया, कट गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो कितना होता है 0, देख पा रहे हो ना, ये कट के 0 हो गया और 0 को गुना करेंगे 100 के साथ, फिर प्लस प्लस माइनस कितना होता है, तो माइनस और चरचों का 16, तो टोटल मिला के यहाँ पे कितना आया 10,000, 0 से गुना करेंगे तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 16 को गुना करेंगे तो 16, और ये कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से 16 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 9,084, ठीक है, 9,084 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सवाल बोल रहा था कि आपको इसको डायरेक्टली गुना नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली गुना नहीं करना है, इसको हम लोगों को तोड़ के गुना करना है, ठीक है, जैसे तोड़ के कहने का मतलब कि प्लस माइनस में ब्रेक करके फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ना है। चलिए आइए आगे आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं तो किसका किसका फैक्टराइज भाई, तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो 9x² + 6xy + y² इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि कुछ पॉलिनोमियल नीचे दिया गया था, हमें इसको फैक्टराइज करना था। अब इसको फार्मूला पे पहले तोड़ो,
नाइन एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्योंकि 2 3 जा 6 और एक्स वाई का मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे यहाँ हो रहा है 3x, b के जगह पे हो रहा है y, तो यहाँ पे भी a बोल सकते हैं, यहाँ पे भी b बोल सकते हैं। तो ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना है 3x प्लस b के जगह पे कितना है y, ये दोनों का क्या करना है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रहता है तो हम लोग इसी चीज़ को कितनी बार लिख देते हैं, इसी चीज़ को दो बार लिख देते हैं, यानी कि 3x प्लस वाई और फिर ब्रैकेट 3x प्लस वाई, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं, हालांकि अगर जो फार्मूला पे बैठ रहा है तो हम लोग फार्मूला पे बैठा कर ही मल्टीप्लाई करें। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन है तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो ये 4y है स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्यों, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिया, फार्मूला में होता है 2 इंटू ए के जगह पर कितना आया 2y, इंटू में 1 करेंगे तभी तो 2 2 4 और y का y बचेगा, और इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब आप देखिए तो a के जगह पे कितना हो रहा है, a के जगह पे आया 2y, a के जगह पे यहाँ पे 2y, b के जगह पे 1, तो आप देखिए फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे 2y है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b के जगह पे 1 और इसका स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम इसको दो बार लिख देंगे, यानी कि 2y माइनस 1 ब्रैकेट 2y माइनस 1, तो इस तरीके से हमें हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है लास्ट, यानी कि तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि एक्स को तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, हम लोग लिख सकते हैं ना वाई बाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो फार्मूला सीखे है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी इसको प्लस में तोड़ देंगे और माइनस में तोड़ देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन किए। तो आज हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलना पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस को। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग साइंस सब्जेक्ट में NCERT बुक को फॉलो करते हुए हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को, बायोलॉजी के एक सेक्शन को पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेंगे वॉकल्स, VACULES, वेकल्स। क्या है वेकल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एरो देखकर लिखा जाए, वेकल्स आर अ स्टोरेज सैक्स, CASCS, वेकल्स आर अ स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड
सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। चलिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि व्हीकल्स क्या है। तो व्हीकल्स जो है एक सॉलिड एंड लिक्विड का कम्बिनेशन है, स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब होता है उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड को जो स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, उसमें सॉलिड और लिक्विड होते हैं, दैट इज वो व्हीकल्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हीकल्स का मतलब क्या, स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, यानी कि जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट मौजूद होते हैं या रखे जाते हैं, स्टोरेज होते हैं, उनका स्टोर किया जाता है व्हीकल्स में। नेक्स्ट लिखेंगे एरो, व्हीकल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल, व्हीकल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स वाइल प्लांट, वाइल मतलब जबकि, वाइल प्लांट सेल हैव, प्लांट